भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, इसी बात के साथ मधेपुरा जिले के जिलाध्यक्ष नीलम राजभर जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। आप सोचो कि बिहार में जब हमारी आपकी बहनों के लिए सीट आरक्षित हो जाएगी कि महिला लड़ेगी, आप बताओ उस सीट पर जो वंचित शोषित है, अहिर गरेरी कुनबी कोयली भार चमार मुसा धोबी खंडित पासी केवट बिंद मला दुहा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुड़ खरवार भूमिहार बिहार रजवार राजवंशी राजभोग, इसके बीच से कैसे निकालोगे आप? इस नाते हम आपसे कहता हूं कि सावधान हो जाओ, आने वाला कल हमारी जो बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं, उनको भी राजनीति में ले आओ। 5 साल के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण लागू होने जा रहा है, ताकि हमारी बहन बेटियां जीत करके पटना की राजधानी में वहां बैठ करके अपने लिए कानून बना सके। इस नाते हम आपको आगाह करने के लिए ओम प्रकाश राजभर घूम रहा है। कोई भी बहन बेटी अगर पढ़ लिख रही है, उसके साथ साथ राजनीति उसको टिकाओ, उसको भी मंच में ले आओ। हम अपने नेताओं से भी कहूंगा कि आइंदा अगर मधेपुरा में बुलाओ, अपने जिले में तैयार करो, आधी आबादी महिलाओं की है, तो कम से कम मंच पे नहीं ज्यादा हो तो आधी कुर्सी महिलाओं के लिए लगा लो, ताकि हमारी बहन बेटियां भी माइक पर खड़ा होके वो भी रिहर्सल करे, ताकि विधानसभा को ललकार करके हमारी तरफ बोलने की काम करें। इसका भी ध्यान आप लोग रखो, नहीं तो देखो फिर धोखा खाओगे। और मैं आप लोगों से कहूंगा, देखो भाई भाषण तो बहुत हुआ, हम आपसे बार बार कह रहा, मुझे 2 साल का समय दो, या जितने लोग हो 2 साल का समय हमको खाली दे दो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आप मुझे खून दो हम आजादी देंगे। और हम आप हमारे पूर्वजों ने, हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात को मान लिया और देश आजाद हो गया। गांधी जी के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में देश आजाद हो गया। अगर उन्होंने खून मांगा, आजादी मिली। हम 2 साल के लिए आपसे कहता हूं, सिर्फ आप हमको अपना वोट दे दो, हम आपके 75 साल का इतिहास बदल करके दिखाएंगे। वो इतिहास क्या होगा आप बताओ? 57 से चुनाव हो रहा है देश में, आज तक रजवार का बेटा, राजभोग का बेटा, पाल प्रजापति नाई गोर कुम्हार का बेटा, भर का बेटा एमएलए बना का? बोलो एमएलए बना? नहीं बना। इसी नाते 2 साल का टाइम हमको चाहिए, 2 साल का टाइम हमको दे दो, 2 साल के अंदर तेरे बिहार में 10 MLA पैदा करके हम राजधानी पटना में पहुंचा करके आपको दिखाना चाहता हूं। हम इसके लिए परेशान हैं, हमको यह चुनाव नहीं लड़ना, हमको यह प्रण किया है
कि बिहार की धरती पर 2025 जो चुनाव होगा उसमें 10 MLA चुनवा करके पटना की राजधानी में भेजूंगा और सरकार चाहे किसी की बने, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक उसकी सरकार नहीं बनने देंगे। ये चीज हम चाहते हैं। तो बताओ कितने लोग साथ देने के लिए तैयार हो? 2 साल के लिए तैयार हो ना? सोच लो भैया, बहुत साफ साफ बात हमारी है। अब दूसरा काम हम क्या चाहेंगे? देखो हुआ जाके हम कानून बनवाना चाहते हैं। दिल्ली एक प्रदेश है, पंजाब एक प्रदेश है। दिल्ली एक प्रदेश है, पंजाब देश का एक प्रदेश है। यहां जितने लोग आए हो, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। परेशान हो ना आप? बताओ एक बार भी पटना में जहां आपके विधायक लोग बैठते हैं कोई सिंगल विधायक इस आवाज को उठाया? कोई सिंगल विधायक आवाज को उठाया? आप भी आप यूपी का उठाकर विधानसभा की कार्रवाई देख लो। जब जब सदन चला है तब तब ओम प्रकाश राजभर 403 विधायकों के बीच में अकेले खड़ा होकर के मुख्यमंत्री के सामने इस और मजबूर कर रहा हूं। अभी 18 जुलाई जो बीता है देश के प्रधानमंत्री के सामने कहा कि भाई देखो आपकी एक एजेंसी गई गांव में और एजेंसी ने गांव में जाके कहा कि भाई स्मार्ट मीटर लग रहा है फ्री में। आपके यहां भी लगा होगा स्मार्ट मीटर फ्री में और ये गरीब कमजोर सोचा कि फ्री खाओ तो लगवा ला। और मड़ई में कोई लगवा लिया, कोई पेड़े में ठुकवा लिया, कोई दिवाली में, कोई घरे में, और उसके बाद आधार कार्ड दे दिया। अब 4 साल 3 साल 5 साल के बाद बिल आ गया, किसी का 20,000, किसी का 15,000, किसी का 25,000। बोलो सही है गलत है? ये बिल आने लगा तो हम चाहते हैं पंजाब में और दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ है तो बिहार में भी घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। ये लड़ाई आप कि ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं तब आओ बिजली का बिल माफ होगा तो सबका होगा, खाली हमारे का होगा? ये बेईमानों को बोलने का तमीज नहीं। जो उंगली उठाते हैं, जो दूसरे का झंडा लेके घूमते हैं, वही आपके बीच में आके कहते हैं उनको अकल नहीं, अपने नेता के सामने अपनी पीड़ा कहने की औकात नहीं। और ओम प्रकाश राजभर से बात करने आते हो? शर्म नहीं आती आपको? अगर हिम्मत है, हम तो चाहते हैं, पूरा देश जानता है बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार के लोग। कल कारखानों में काम करना बंद कर दे तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दाना नहीं मिलेगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों के फैक्ट्रियां नहीं चलेगी, कल कारखाने बंद हो जाएंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर क्या चाहता है? हम उनकी फैक्ट्री नहीं बंद कराना चाहते, हम एक कानून बनाना चाहते हैं इस देश में रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, लैपटॉप बनाना, 100 विषय बने और कक्षा 4 से एक विषय अनिवार्य। रोजगार परक शिक्षा हम देश में लागू कराने के लिए हम आपके बीच में मधेपुरा में बार बार आने के लिए तैयार हैं। हम आपसे सवाल करते हैं, आप बताओ जिसके बेटा बेटी को 3 साल 4 साल मोबाइल बनाने सिखाया जाए या मोटरसाइकिल बनाने सिखाया जाए, फ्रिज बनाने सिखाया जाए, तो बताओ सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? सीख लेगा ना? कहीं सड़क पर 1,000 रुपए का रिंच रख करके अगर वो मोटरसाइकिल सीख लिया, कहीं बोरा बिछा करके भी अगर बैठेगा, 8 दिन के बाद जब पता लग गया कि हम मिस्त्री रहता है, तो बताओ 500 रुपया कमा लेगा कि नहीं कमा लेगा? तो कहीं जाएगा बंबई, कहीं जाएगा पंजाब, कहीं जाएगा गुजरात, कहीं जाएगा दिल्ली? वो अपने परिवार के साथ रहेगा और अपने गांव में बाजार में दुकान करके अपनी जीविका चला भी लेगा वो नौजवान। हम ये काम चाहते हैं। अगर वो जाए बाहर एसी सीख ले, प्रतिदिन 1,000 कमाए, 12,000 में कहीं काम करेगा? 12,000 जाके काम करेगा, खर्चा करेगा 8,000, परिवार कैसे चलेगा? इस नाते हम तो रोजगार परक शिक्षा देश में लागू कराने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो बताओ ये लड़ाई सही है कि गलत है? सही है। अब तीसरी बात सुनो, इस देश में एक कानून बना, एक देश एक राशन कार्ड,
बिहार का व्यक्ति गुजरात में राशन ले सकता है अपने राशन कार्ड पर, यूपी का व्यक्ति दिल्ली ले सकता है, यूपी का बिहार ले सकता है, बिहार का बंगाल ले सकता है, देश का कोई भी व्यक्ति अपने गांव से दूसरे गांव दूसरे प्रदेश में राशन ले सकता है। एक देश एक राशन कार्ड का कानून पास हो सकता है, एक देश एक चुनाव का कानून पास कराने के लिए कानून बनाने की तैयारी हो सकती है, तो एक देश एक समान शिक्षा का भी कानून देश में पास होना चाहिए। अब एक देश एक समान शिक्षा क्या है? जो पाठ्यक्रम जो पढ़ाई अमीर के बेटा को प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम वही पढ़ाई गरीब के बेटा को सरकारी स्कूल में लागू कराने के लिए ओम प्रकाश राजभर आपसे बार बार अपील और निवेदन करता हूं। और दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को शिक्षा फ्री है, तो भारत में भी गरीबों के बेटा बेटी को कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीपा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग साइकिल देकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए, ताकि गरीबों के भी बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बन सके। बताओ सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? सियार जानवर जानते हो? कितने लोग जानते हो जरा हाथ उठाओ। सियार जानते हो ना? देखो एक सियार अगर पूरा बोलता है तो पश्चिम वाला सियार कहता है भैया मैं यहां खड़ा है, उसके बाद दक्षिण वाला सियार कहता है भैया का बात हम यहां है, तब तक उत्तर वाला भी बोलने लगता है, तब लोग कहते बड़ा सियार बोलत हूं कोनो बात बाय। आज चर्चा होती कि नहीं होती इस बात की? तो जब जानवर में इतनी बड़ी अकल है तो फिर हम तो इंसान है। आप बताओ मरने वाले को क्या कहते हो? आप लोग मुर्दा कहते हो कि लाश? मुर्दा कहते हो ना? मरने वाले को मुर्दा कहते हो। अगर वो व्यक्ति कोई मर जाता है उसके पास इतनी अकल होती है कि मरने वाला व्यक्ति भी चार आदमी को पकड़ लेता है, और वो बुद्धि लगा देता है तो पीछे भी 15-20 आदमी उसको कि चार आदमी अगर थक जाएगा तो दूसरा हमको चार आदमी फिर कंधा देने के लिए तैयार हो जाएगा। बोलो है ऐसा कि नहीं? अब बताओ जब मुर्दा में इतनी बड़ी कला है तो हम लोग तो जिंदा है भाई। बोलो भाई नेताजी लोग, हम लोग तो जिंदा है ना? जब मुर्दा चार आदमी को पकड़ लेता है अपने घाट पर पहुंचाने के लिए श्मशान घाट पर, और 20 आदमी को पीछे खड़ा कर लेता है, यही बात तो हम जिंदा कौमों नेताओं आपको समझा रहा हूं कि आप अपने पीछे अपना जिंदा बात बोलने के लिए पीछे 20 नेता खड़ा कर दो, उसी दिन आप नेता बनने का काम शुरू कर दोगे। नहीं मुर्दा से भी सीखो, हम तो आपके बीच में साफ साफ बात करने के लिए आए कि मुर्दा के पास वो कुवत है तो बताओ जिंदा के पास कुवत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ये चीज हमको आपको सोचना चाहिए। हम जहां से विधायक हैं, हमको अगर वोट की राजनीति करनी होती हम गाजीपुर यूपी के गाजीपुर जहूराबाद में हम रोज भाषण देते तो हमको बोरा का बोरा वोट मिलता, हम लोगों के काम करते तो बोरा का बोरा वोट मिलता। पिछली बार 22,000 वोट से जीता था, इस बार 51,000 वोट से जीता। लोगों ने कहा कि जाओ नेता जहूराबाद से नहीं पूरे देश के गरीबों को वंचितों शोषितों को जगाओ, जिस दिन वंचित शोषित जागेगा उसी दिन उसको अधिकार मिलेगा, वरना इसी तरह इनका अधिकार लूटते रहेंगे लोग। तो वहां तो हम नहीं जाते। आपके बार बार चाहे आप कटिहार बुला लो, मधेपुरा बुला लो, चाहे औरंगाबाद अररिया बुला लो, किशनगंज बुला लो, चाहे सीवान आरा छपरा भगुआ कैमूर बुला लो, चाहे बक्सर बुला लो, आप जहां भी बिहार के हर क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहा हूं? गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी ही बेड़ी को तोड़ना ओम प्रकाश राजभर का मकसद है, इसी नाते हम आपके बीच में बार बार आते हैं। आप बताओ हम जहां से विधायक हैं, 7 साल मुझे हो गया दूसरे टर्न मिला के, 17 करोड़ रुपया गरीबों के ऑपरेशन इलाज के लिए हमने दिया है अपनी कलम से, 17 करोड़ रुपया दिया हूं अपने कलम से यूपी में। आप बताओ आपको वोट देके विधायक बनाए हो ना? वोट तो किसी ने किसी को दिए हो, विधायक को होते हैं सांसद होते हैं। आप बताओ किसी को 5,000 रुपया दवाई के लिए दिया? बोलो दिया नहीं दिया?
हम यही कानून बिहार में भी पास कराना चाहते हैं। अभी हमारा सत्र चला है पिछले महीने सदन में लड़ करके ओम प्रकाश राजभर ने विधायक निधि से 25 लाख रुपया हर विधायक को सरकार से उपलब्ध करवाया गया कि कोई भी गरीब बुखार हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे किसी तरह का रोग हो, अगर वो बीमार है, आप इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना है, तो विधायक उसको 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए तक विधायक अपने निधि से पैसा देकर गरीब का इलाज कराने का भी काम यूपी में करेगा। हम तो यही कानून यहां भी बनवाना चाहते हैं। जिस दिन 10 एमएलए सदन में हमारे जाएंगे, सरकार नहीं चलने दूंगा। देश के मैं किसी कोने में रहूंगा, मैं जानता हूं कि कैसे दसों को खड़ा करा दूंगा बेल में, कि जब तक कानून पास नहीं होगा तब तक बेल से बाहर नहीं निकलना है जवानों। चाहे जितना भी कोशिश कर ले सरकार, उसको कानून पास करना पड़ेगा। ये लड़ाई हम लड़ने के लिए आपसे सहयोग चाहते हैं। तो बताओ, ये लड़ाई आपकी है कि हमारी है? आपकी लड़ाई है। हम तो यूपी वाले लोग हैं भैया, हम तो वहां ठीक ठाक है, वहां तो देखो सांसद है। मैं आपसे कहता हूं, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपको हम अपने नेताओं को ले जाऊंगा, जहां महाराजा सुहेलदेव जी की पैदाइश बहराइच, उत्तर प्रदेश का एक जिला बहराइच, लड़ाई का मैदान नानपारा मैदान, और जहां उन्होंने दुश्मन को मारा चित्तौड़ा झील, वहां महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से सरकार से 5,000 करोड़ रुपया लेकर महाराजा सुहेलदेव जी की भव्य मूर्ति, 100 फीट ऊंची प्रतिमा और पूरा पार्क, 5 एकड़ में पार्क बन रहा है, लगभग पूरा होने जा रहा है। ये कुबत इतिहास को उजागर करने के लिए जो काम वहां हो रहा है बहराइच में, जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक बहराइच के लोग महाराजा सुहेलदेव की कीर्ति को याद करेंगे कि कोई एक योद्धा था भारत में। देश के इतिहासकारों ने तो नहीं लिखा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने उस इतिहास को ऐसा बना रहा हूं कि जब विदेशी आक्रमणकारी भारत पे, भारत को कब्जा करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए लड़ रहा था, तब कोई नहीं टिक पाया, अगर टिका तो महाराजा सुहेलदेव जी उस आताई जुल्म को नानपारा मैदान बहराई चित्तौड़ा झील में वहीं दफन कर दिया। 165 साल लगातार किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई भारत पर आंख दिखा सके। ऐसे वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव जी को देश के इतिहासकारों ने मिटा दिया। उस इतिहास को जब मैंने पढ़ा तो मैंने भी प्रण किया कि अगर तूने मेरा इतिहास मिटाया है तो मैं अपनी कलम से अपने इतिहास को लिख करके पूरे देश में उजागर करके दिखाऊंगा। आज तो हम इसी नाते आपके बीच में आए। आप सोचो, विचार करो, हमारे नेताजी लोग आपके बीच में आपके गांव जाते हैं तो बताते हैं, समझाते हैं। हमारे परशुराम जी हों, चाहे हमारे वर्मा जी लोग हों, चाहे मंडल जी लोग हों, चाहे चौधरी जी लोग हों, हम तो एक काम कर रहे हैं। नौजवानों देखो, यहां जितने लोग बैठे हो, हमारा एक सवाल आप लोगों से है, अपने गार्जियन साथी से। आप अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हो, आपको पता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए? हमको अंदाज, अगर सर्वे कराओगे तो 90% लोगों को पता नहीं कि हम बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो कौन सा विषय पढ़ाना चाहिए। हम बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो हमको कौन सा विषय बच्चे को पढ़ाना चाहिए? उसका कारण है साथी, हमारे बुजुर्ग चाचा जी ने बताया कि शिक्षा से हम वंचित थे इस नाते, क्योंकि हमारे महापुरुष गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ईबी पेरियार, रामा स्वामी नायकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों ने संघर्ष किया, आज हमारे जैसे नौजवान पढ़ लिख करके आज धरती पर अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। अगर वही व्यवस्था रहती तो आज हम भी आपके बीच में इस माइक पर नहीं आते, हम भी कहीं खेत में ट्रैक्टर पर माटी लाते हुए नजर आते। लेकिन धन्य है मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा को उस लायक बनाया। इस नाते हम तो चाहते हैं कि आप लोग अपने अपने गांव से जो बच्चे कक्षा 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में पढ़ लिख रहे हैं, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमारी कोशिश हो रही है कि हर जिले से एक टीम बनाई जाए और उन बच्चों को छुट्टी के दिन, रविवार का दिन हो, जिस दिन बच्चे कहें
उनको ट्रेनिंग देने के लिए कि सिपाही बनने के लिए अभी से प्रयास करो, क्या क्या होगा, जो हमारा रिटायर्ड सिपाही, रिटायर्ड दरोगा, रिटायर्ड जेई यही होगा, जो इंजीनियर होगा, रिटायर्ड डीएम होगा, रिटायर्ड एसपी होगा, वो आकर के उन बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करेगा ताकि वो आगे जाकर के हजारों बच्चों रोजगार और नौकरी के दिशा में जा सके। इस काम के लिए हम नौजवानों से कहूंगा कि आप अपने अपने गांव में, हम अपने साथियों के माध्यम से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। समय समय पर हम राष्ट्रीय सुहेलदो सेना बनाते हैं, उसका नाम 60 नौजवान को आरएसएस की पूरी हिस्ट्री जानकारी करना हो उसके संबंध में आप हमारे नंबर पर फोन कर लेना, हम आपको विधिवत बता देंगे कि राष्ट्रीय सुहेलदो सेना का काम क्या है। जो तेरा मनोबल दबा है इसी बाजार में, मधेपुरा सिंहेश्वर के बाजार में, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन राष्ट्रीय सुहेलदो सेना का नौजवान 1000 की संख्या में इस पार से उस पार निकलेगा, देखने वाले दंग हो जाएंगे, हमारे बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा और जोश जनून उनमें पैदा होगा। इस काम को लेकर के हम लोग आपके बीच में बराबर घूम रहे हैं, तो बताओ लड़ाई सही हम लोगों की है कि गलत है? सही है ना? तो देखो भाई, हम तो नेता बनाने का भी काम करते हैं, यह नौजवान लोग हो भाई, हम चाहते हैं, देखो अब हमसे कुछ नौजवानों से वार्ता हुई, यहाँ के कुछ नौजवान जो पढ़ लिख रहे हैं कह रहे हैं थाने पर जाने से डरते हैं, तो देखो थाने पर जाने से हम भी डरते थे, याद कर लो हम भी डरते थे जब छोटे थे, सिपाही देख के भागते थे, लेकिन आज हमारी सिक्योरिटी में 22 सिपाही या दरोगा लगे हैं। जब हम बाई रोड चलते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी यूपी की है, उसके बाद अगर हम किसी स्टेट में जाते हैं तो वहां की सिक्योरिटी लग जाती सुरक्षा में। हम तो वही चाहते हैं कि हमारी तरह कुर्ता पैजामा सिला लो भैया, जिस दिन कुर्ता पैजामा सिला लोगे थाने पर चेक कर लेना, जींस का पैंट और शर्ट पहन के जाओगे थाने पर, गेट पर होमगार्ड या सिपाही होगा तो डांट करके भगा देगा, लेकिन कुर्ता पैजामा पहन के जाओगे तो वही सिपाही वही होमगार्ड पूछेगा, कहो नेताजी क्या बात है, तो नेताजी कहिए ना कि दरोगा से जिसे न मिले के बाद, तो सिपाही जी होमगार्ड जी कहे वह बैठल हुआ चल जा, इतना अंतर है। अब नेता बनने के लिए कुछ नहीं करना है, कुर्ता पैजामा सिला लो, प्रेस करके 4 बजे चाय पीने का टाइम हो तो घर में अगर सामने सबके पहन सकते हो कुर्ता पैजामा तो पहन लो, नहीं पहन सकते हो तो घर के अंदर चले जाओ, दरवाजा बंद कर दो, कपड़ा निकाल के कुर्ता पैजामा एक बार दो बार तीन बार में पहन लोगे, पहन के निकलोगे बाहर, दरवाजा खुलेगा, भाभी मिलेगी, माँ मिलेगी, बहन मिलेगी, कोई मिलेगा, वो पक्की मुहर लगाएगा, कहो नेता बने थे, वो पक्की मुहर आपको लगा देगा कि नेता बनत हुआ। बाहर निकलेंगे चचा कक्का दद्दा भैया बाबू जो भी मिलेगा वो भी कहेगा कहो नेता बनत हुआ। कुछ मत बोलिए, आप निकलिए चाय की दुकान पर, चाय की दुकान पर टेबल पे चाय अक्सर अखबार रखा रहता है, आप जाकर के वहां ताव से कहिए आए चाय वाले एक चाय देता है, तो चाहिए वाला ताकि गई कहो नेता हो गई लगा। उसके बाद अखबार उठाओ, अगर पढ़ले हुआ तो पढ़ा, ना पढ़ले हुआ तो अखबार के पन्ना के खाली पलटत रहा जब तक चाय नहीं आ जाए, समझे थे ना? अब दूसर कोई देखी तो समझी कि नेतवा को समाचार है, यही बदई खोजत था, वो थोड़ा जाना था कि पढ़ले हो कि ना पढ़ले, समझे थे ना? उसके बाद चाय आ गई, चाय पकड़ लो, अखबार रख दो, चाय पी लो, चले जाओ बाजार में सब्जी खरीदना खरीदो, घर चले जाओ कुर्ता पैजामा निकाल के रख दो। साथी मैं दावे के साथ कहता हूँ, तेरे गांव में कोई विवाद होगा, आपने अपने गांव में 5 नेता बना लिया, तो बाहर जब सिपाही जी दरोगा जी पूछते हैं कि गांव में नेता, तो गांव के लोग बता देंगे कि 5 नेता इस गांव में हैं, तो वही दरोगा सिपाही आएगा और आपसे कहेगा कि नेता जी भैया दरखास्त बा, समझौता करा दे, नहीं तो भाई हम तो पकड़ के ले जा। ये कुबत है कुर्ता पैजामा में, तो कुर्ता पैजामा सिलाना चाहते हो अब देखो भाई बिहार के लोगों, हम बहुत बेहया नेता है इन बता देते, हम नौजवानों को बुलाऊंगा यूपी और ले चलूंगा लखनऊ, और वही लखनऊ सीएलएस सियावर कुर्ता पैजामा मिला ला, जींस का पैंट और तुम्हारा शर्ट निकलवा लूंगा और कुर्ता पैजामा पहनवा करके ट्रेन पे चढ़ा दूंगा। आप बताओ, आप लोग गए थे यहां से, कुछ लोग गए थे पटना ना, पटना गए थे ना, आपको एहसास हुआ होगा कि कटिहार से लोग गए थे,
अररिया से लोग गए थे, पूर्णिया से लोग गए थे, आपके सीमान छपरा आरा भगुआ कैमूर से लोग आए थे, आपके नवादा से लोग गए थे, नालंदा से गए थे, पूरे पूरे बिहार के लोग आए थे कि नहीं आए थे? ये वो तो झांकी थी, अभी पूरा खेल बाकी है। अब घबराओ नहीं, अब वो खेल करूंगा कि यहाँ की सियासत करने वाले लोगों को जो समझ में नहीं आ रहा था तेरी आबादी तेरी ताकत, वो ताकत पैदा करने जा रहा हूं कि यहाँ के शासन करने वाले लोगों की नींद हराम हो जाएगी। अभी तो कुछ नहीं है, हम तय कर लिए हैं कि 60% समय बिहार में दूंगा और 40% समय यूपी के साथ साथ, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, अन्य प्रदेशों में 40% समय दूंगा। और आप लोगों से कहूंगा कि जहां अपनी ताकत को दिखाना हो, जहां एक जगह ये हो कि आज हमारी ताकत प्रदर्शित करनी है, तो वहां हमको आपको चलना पड़ेगा। तो बोलो चलोगे कि नहीं चलोगे? चलोगे। हमारे पत्रकार भाई लोग सोचत हुई हैं कि नेतवा यूपी से नहीं है, यहां बतावा के अपन रुपया लगा के आलो हाथ उठावा, जे जे अपन रुपया लगा के आलो हाथ उठाओ भाई, अपन लगा के आल है। बहुत लोग सोचते हैं कुछ विरोधी पार्टी के नेता लोग भी यहाँ हुई हैं, तो सोचो तो ये कि नेतवा रुपया दे लो तो लोग आए हुई हैं। हम रुपया नहीं देते, हम विचार देते हैं, हम लड़ाई लड़ने का साहस देते हैं, आत्मबल पैदा करते हैं, नौजवानों को जगाने का काम करता हूं। हमारे साथी बोल रहे थे कि जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। नौजवानों घबराओ नहीं, वो स्थिति बिहार में पैदा करूंगा कि जो यूपी में आप देखते हो, यूपी से तगड़ा बिहार आपको दिखेगा। ज्यादा नहीं, 2 साल का समय हम खाली मांगते हैं आपसे, 2 साल हमारी बात को आप लोग मान लो। आपस में अगर किसी का डांड़ मेर का झगड़ा होगा तो सीधा कर लेना, किसी का डांड़ मेर का झगड़ा हो तो सीधा कर लेना। अगर किसी का जाने पर किसी का चारपाई का अगर पावर टूट गया हो तो उसको जोड़वा लेना, लेकिन इस आंदोलन में खिलवाड़ मत समझना। जिस दिन चाहो उस दिन ओम प्रकाश राजभर हेलीकॉप्टर लेकर के तेरे बिहार में एक एक दिन तीन तीन चार चार सभा करने के लिए तैयारी कर रहा हूं। घबराओ नहीं, कैसे नहीं मानोगे, जबरी मनाऊंगा। हम तो ऐसा नेता है ना, ऐसे ही यूपी वाले कहे रे नेता बहुत देख ले, इनके चल बहुत देख ले, हुए था हम के देख ले, आज वही आ जाए। लेकिन नेताजी को इतनी फुर्सत नहीं रहती कि चूंकि इतना काम हमने फान दिया है कि कभी हम पंजाब में चले जाते हैं, वहां जालंधर लुधियाना पटियाला जम्मू चंडीगढ़ अमृतसर नाभा वहां कार्यक्रम करते हैं, तो कभी चले जाते हैं बॉम्बे, बॉम्बे नालासोपाड़ा दहीसर कोरेगांव मलाड अंधेरी मरोल पाइपलाइन चर्चगेट बीटी नासिक तक वहां मीटिंग करते हैं। हम चले जाते हैं बिहार, चले जाते हैं उत्तराखंड, चले जाते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हम पूरे देश में घूमते रहते हैं। एक ही मकसद हमारा है, गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना ओम प्रकाश राजभर का मकसद है। साथी इसी बात को लेकर के हम लोग आपके बीच में आए हैं, काफी टाइम हो गया है। हमारे नेतागण, मैं तो सोचता हूं कि हमारे नेता ज्यादा से ज्यादा माइक पर बोले, मंच पे बैठे और भाषण, कुछ ही समय के बाद हम इनको ट्रेनिंग देंगे कि कैसे बोला जाता है, कैसे क्या किया जाता है, कैसे संगठन। हम जल्द ही इनको लाइन पर ला करके, हम अभी तो बेलाइन लोग हैं, इनको लाइन पर हम ले आते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि समय पर जो कार्यक्रम हो समय से आप लोग भी आइए, समय से छुट्टी हो जाए। इन सब चीजों की जानकारी हम नेताओं को देंगे, जो जहां बैठा है साथी वहीं सब लोग खड़े हो जाए।